assalamu alaikum students i am khurram ikram welcome to all of you on my youtube channel effective english in today's lecture we will talk about countable noun uncountable noun and collective noun basically today's lecture is a continuity of the previous lecture or you could say like that it's a part two of the noun series so let's start today's lecture वट इज काउंटेबल नाउन इट इज़ अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड ऐसा नाउन जिसे गिना जा सकता है वो क्या कहलाता है आपका काउंटेबल नाउन एग्जाम्पल देखते हैं बुक चेयर स्टार हेयर बॉय गर्ल ई टी सी दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन अब जो बुक है आप इसको काउंट कर सकते हैं वन बुक टू बुक्स थ्री बुक्स सिमिलरली चेयर है वन चेयर टू चेयर्स थ्री चेयर्स सो इन दिस वे यू कैन काउंट दैम नाउ द क्वेश्चन इज स्टार एंड हेयर जब हम स्टार और हेयर की बात करते हैं तो ये एक डिबेटेबल इशू है कुछ लोग कंसिडर करते हैं समझते हैं कि जो स्टार है और हेयर है ये अनकाउंटेबल नाउन है बेसिकली ऐसा नहीं है हम स्टार्स को गिन सकते हैं हम हेयर को गिन सकते हैं हाँ ये और बात है कि वो तादाद में इतने ज़्यादा होते हैं इसलिए उसको ऑन दी होल गिना नहीं जा सकता लेकिन अगर हम उसे गिनना चाहें तो हम गिन सकते हैं अगर आप आसमान पर सितारे देखते हैं तो आप उसको काउंट कर सकते हैं वन स्टार टू स्टार्स थ्री स्टार्स इसी तरीके से अगर आप कहीं हेयर देखते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं वन हेयर टू हेयर्स सो ऐसा नहीं है कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते काउंट किए जा सकते हैं लेकिन क्योंकि ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इनको गिनना मुश्किल होता है अदरवाइज़ इन्हें काउंट किया जा सकता है सिमिलरली बॉय है गर्ल है इसको भी काउंट किया जा सकता है तो कोई भी चीज़ जिसको वन टू थ्री की फॉर्मेशन से काउंट किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं आपके काउंटेबल नाउन सो वट इज अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन इज ऑपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन इट इज़ अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड ऐसे नाउन जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता उसकी एग्जाम्पल क्या है मनी शुगर राइस ऑनेस्टी लव हेट हैप्पीनेस ईटीसी जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें फ़ाइव सेंसेस से ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या थे जिन्हें फ़ाइव सेंसेस से आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते थे तो वो सब के सब नाउन क्या कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते इसके अलावा जब हम बात करते हैं मनी की अब मनी जो एक नाउन है इसको आप कुछ लोग कहेंगे इसको गिना जा सकता है नहीं मनी को आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते वन मनी टू मनी थ्री मनी फोर मनी हाँ इसके अंदर कॉइन्स हैं रुपीस हैं उनको काउंट किया जा सकता है वन कॉइन टू कॉन्स वन रुपी टू रुपीज़ इसी तरीके से जब बात करते हैं शुगर की राइस की तो इनको भी काउंट नहीं किया जा सकता आप इनके साथ कोई यूनिट लगा के तो काउंट कर सकते हैं वन के जी टू के जी हाफ़ के जी लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे काउंट करें वन शुगर टू शुगर थ्री शुगर तो ये पॉसिबल नहीं है सो so बेसिकली जो आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो क्या है कि काउंटेबल वो हैं जिनको वन टू थ्री की फॉर्म में गिना जा सकता है और जिस चीज को वन टू थ्री की फॉर्म में गिना नहीं जा सकता वो क्या कहलाते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोलेक्टिव नाउन इट इज़ अ नाउन डेट रिप्रजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स और एनिमल ये ऐसा नाउन है जो कि ग्रुप को शो करता है पर्सनस के एनिमल्स के और थिंग्स के अब एग्जाम्पल्स देखते हैं अ क्लस्टर ऑफ़ कोकोनट्स जब कोकोनट्स ज़्यादा सारे उगे होते हैं किसी जगह लगे होते हैं तो उसको जो झुंड होता है उसको उसके लिए एक खास वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं अ क्लस्टर ऑफ़ कोकोनट्स इसी तरह फ्लावर्स ज़्यादा सारे आप देखते हैं इकट्ठे हैं तो उसको जब इकट्ठा अरेंज किया जाता है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है अ बुके ऑफ फ्लावर्स प्राइसेस मुख्तलि प्रोडक्ट्स होती हैं कंपनीज़ की उनकी एक लिस्ट बनी होती है उनकी प्राइसेस लिखी गई होती है बुक बनाई गई होती है उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है अ कैटलॉग ऑफ़ प्राइसेस इस तरह लोग ज़्यादा सारे इकट्ठे उनके लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है वो क्या है क्राउड प्लेयर्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है वो क्या है आपका टीम इसी तरीके से तो जो शिप्स हैं बहरी जहाज़ हैं इनके लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है वो है फ्लीट एफ एल डब्ल ई टी रूम्स होटल में आप जाते हैं रूम बुक करवाने के लिए वहाँ पर एक रूम दो रूम तीन रूम आपस में साथ साथ अटैच हुए होते हैं तो अगर आप ऐसा रूम बुक कराते हैं तो उनके लिए ख़ास वर्ड यूज़ होता है स्वीट ऑफ रूम्स यानी कि तीन चार छः रूम्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं अब आप देखें सोल्जर्स जब ज्यादा सारे सोल्जर ग्रुप की शक्ल में कहीं जा रहे हैं खड़े हैं तो उसके लिए अरेंजमेंट ऑफ सोल्जर्स इसी तरीके से अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स जब लोग एक जगह इकट्ठे हैं और वो सिमिलर कल्चर से बिलोंग करते हैं उनकी लैंग्वेज सेम है तो ऐसे के लिए ऐसे ग्रुप के लिए हम कहेंगे अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स इसी तरीके से अ स्कूल ऑफ वेल्स जब आप समुंदर में ज़्यादा सारी वेल्स देखते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है कोलेक्टिव नाउन में वो क्या है अ स्कूल ऑफ वेल्स इसी तरीके से गन्स जब ज़्यादा सारी गन्स एक जगह रखी हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है अ बैटरी ऑफ गन्स इसी तरीके से जब लेडीज वुमेन या गर्ल्स एक जगह इकट्ठी हों उनके लिए बेवी ऑफ लेडीज इसी तरीके से जब सिंगर ज़्यादा सारे एक जगह इकट्ठे हों तो उनके लिए क्या एक वर्ड यूज़ किया जाता है अकवायर ऑफ सिंगर्स तो ये तो था काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल और कोलेक्टिव नाउन के बारे में एक आइडिया उसकी एग्जाम्पल्स नाउ वी विल टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर रिलेटेड टू नाउन एंड स्पेशली रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन तो अब हम देखेंगे कि जो ये कलेक्टिव नाउन है जैसे पीपल है क्राउड है कैटल है पुलिस है कमेटी ये सब के सब ऑडियंस ये सब के सब क्या है कलेक्टिव नाउन है अब इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा इसी तरीके से ग्लासेस की जो है जीन्स मैथमेटिक्स इकनॉमिक्स मीजल्स ये जो नाउन है ये इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं या प्लूरल तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्ड है पीपल पीपल बेसिकली एक प्लूरल नाउन है इसको प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में लेट्स टेक एन एग्जाम्पल रिच पीपल हैव लॉट्स ऑफ मनी अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है तो जब भी आप पीपल का वर्ड देखें तो उसके साथ आपने इज़ नी आर यूज़ करना है वाज नहीं वर यूज़ करना है पीपल का भी प्लूरल बनाया जा सकता है और वो होता है पीपल्स लेकिन उसके लिए स्पेसिफ़िक सिचुएशन होती है जब किसी जगह पर मुख्तफ कम्यूनिटीज़ या मुख्तलिफ रिलीजस ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग या मुख्तलिफ कॉन्टीनेंट्स के लोग एक जगह पर इकट्ठे हों तो उनको जो उनकी जो रिप्रजेंटेशन है उसके लिए हम पीपल के बजाय पीपल्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो देखें द पीपल्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया वर प्रेजेंट इन द ओलंपिक्स ओलंपिक्स में अफ्रीका और एशिया दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं उनके लोग वहाँ मौजूद थे इनकी जो रिप्रजेंटेशन है इसको शो करने के लिए हमने क्या यूज़ किया पीपल्स का वर्ड यूज़ किया इसी तरीके से एक वर्ड है क्राउड क्राउड बेसिकली वैसे तो ये सिंगुलर ट्रीट किया जाता है एग्जाम्पल से आपको बेहतर से अंदाज़ा होगा ह्यूज क्राउड वॉज प्रेजेंट इन द स्टेडियम स्टेडियम में बहुत ज़्यादा क्राउड मौजूद था लेकिन जब क्राउड के साथ एस लग करके आ जाता है ये तो फिर ये प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है वो कैसे होता है द क्राउड्स वर गैदरिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एक्चुअली आप इसे इस तरीके से जूम करें कि एक जलसा गा है जहाँ पर लोग राइट साइड से भी आ रहे हैं लेफ्ट से भी आ रहे हैं फ्रंट से भी आ रहे हैं तो वो क्राउड की शक्ल में एंटर हो रहे हैं तो जब डिफरेंट जगह से क्राउड आ रहा है या एक ही जग, एक जगह पर जो क्राउड बैठा है वो एक टीम को सपोर्ट कर रहा है दूसरी जगह पर जो क्राउड बैठा है वो दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा है तो इन दिस केस वी कैन यूज़ द प्लूरल ऑफ क्राउड दैट इज क्राउड्स सो द क्राउड्स वर गैदरिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन इट मीन्स कि जो क्राउड है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आ रहा है इसलिए हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे क्राउड्स का इसी तरीके से जब हम बात करते हैं जो वर्ड है पुलिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पुलिस और इसके लिए ये सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है ये प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है अब देखना ये इसे सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है द पुलिस इज़ परफॉर्मिंग वेल इन क्रशिंग द क्रिमिनल्स जो पुलिस है वो बेहतरीन काम कर रही है क्रिमिनल्स को कुचलने में इट मीनस कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की यहाँ बात हो रही है जब भी पुलिस को ऑन द होल देखा जाएगा ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट देखा जाएगा तो पुलिस को हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे लेकिन जब बात होगी पुलिस के ऑफिसर्स की या मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एज अ इंडिविजुअल देखा जाएगा तो फिर हम पुलिस को जो है प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे एग्जाम्पल पे देखें द पुलिस वर पेट्रोलिंग इन द स्ट्रीट जो पुलिस थी वो गली में घूम रही थी गश्त कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए अब हम बात करेंगे मज़ीद आगे जो बाकी के नाउन है कलेक्टिव नाउन है ये सिंग ग्लासेस जीन्स मैथमेटिक्स इकनॉमिक्स और मीजल्स कि ये जो नाउन है इनको इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर ट्रीट किया जाता है या प्लूरल ट्रीट किया जाता है सबसे पहले बात करते हैं वर्ड कैटल की कैटल बेसिकली एक प्लूरल नाउन है और इसको प्लूरल ट्रीट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम्पल देखें द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड लेकिन जब हम बात करते हैं ये जो वर्ड है कमेटी ऑडियंस इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जैसे टीम ज्यूरी अब ये वो कलेक्टिव नाउन है जिनको सिंगुलर भी ट्रीट किया जाता है प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वेदर वी यूज़ देम सिंगुलर और प्लूरल क्या हम इनको सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है एग्जाम्पल देखते हैं द कमेटी वॉज नॉट यूनिमस एंड मेड नो रिपोर्ट जो कमेटी थी वो एक इशू पर मुतफ़िक नहीं थी इसलिए रिपोर्ट नहीं बनी तो अगर तो ये वर्ड एक ग्रुप की तरह रिएक्ट कर रहे हैं ऑन द होल किसी चीज़ को बता रहे हैं तो फिर तो इसको इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है अदरवाइज़ इनको प्लूरल ट्रीट किया जाता है जैसे कि दूसरी एग्जाम्पल में है द कमेटी हैव आज फॉर सैंडविचेज़ फॉर लंच कि कमेटी ने दोपहर के खाने में जो सैंडविचेज़ हैं उनके लिए कहा अब यहाँ पर ये इंडिविजुअल एक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड इसलिए इसको हमने प्लूरल की तरह ट्रीट किया है सेम इज़ द केस विद ऑडियंस जब ऑडियंस भी एक ग्रुप की सूरत में रिएक्ट करेगा ये वर्ड तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे सिंगुलर अदरवाइज़ हम इसको ट्रीट करेंगे प्लूरल एग्जाम्पल देखें द ऑडियंस हैज़ एक्सप्रेस इट्स अप्रूवल जो ऑडियंस है उसने अपना अप्रूवल दे दिया है हम इसके लिए ऑडियंस को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं द ऑडियंस वर लाफिंग यानी कि ऐसे भी कहा जा सकता है अब देखते हैं जो वर्ड्स हैं जैसे ये नाउन है ग्लासेस, जीन्स ट्राउज़र्स पैंट्स टोंग्स सीज़र्स ये तमाम नाउन जो दो चीज़ों से मिलकर बने हैं जैसे सीजर्स के दो हिस्से होते हैं इसी तरह आप टोंग्स जो चिमटा है इसके दो हिस्से होते हैं ऐसे ही जीन्स हैं उसके पैंट्स हैं ट्राउजर्स हैं इनके दो हिस्से होते हैं तो कोई भी चीज़ जिसके दो हिस्से हैं जैसे ग्लासेस हैं तो इनके लिए हम जो वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज में वो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर यूज़ नहीं करते जैसे एग्जाम्पल है द ग्लासेज आर ओनली फॉर रीडिंग दीज जीन्स आर टाइट अब लास्ट में आप देखें ये जो वर्ड है मैथेमेटिक्स इकनॉमिक्स फिजिक्स अगर तो ये वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं तो हम इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसी तरीके से ये कुछ डिजीज़ हैं जैसे मीजल्स है मम्प्स है इनको भी सिंगुलर ट्रीट किया जाता है मीजल्स इज एन इन्फेक्शन मम्स इज़ आ चिल्ड्रंस डिज़ीज़ तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन हमने काउंटेबल नाउन पे बात की अनकाउंटेबल नाउन पे बात की और कुछ नाउन जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ट्रीट प्लूरल होते हैं और कुछ नाउन जो प्लूरल देखने में लगते हैं लेकिन सिंगुलर ट्रीट होते हैं तो अगर तो आपको ये मेरा कॉन्टेंट पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू वेरी मच